अस्सलाम वालेकुम, आई एम हफ्सा रमजान एंड यू आर लिसनिंग टू टीचर टेड। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है FIA Act 1974 पर। आज हम सेक्शन 3 और 4 कवर करेंगे। हमारा तीसरा जो सेक्शन है FIA Act का, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन यानी एजेंसी कैसे बनेगी, उसकी तश्कील कैसे होगी। इसके दो सब सेक्शन हैं। फर्स्ट सब सेक्शन है हमारा, नॉट विद स्टैंडिंग एनी contained in any other law of the time being in force, the federal government may constitute an agency to be called an FIA for the inquiry into and investigation of the offenses specified in the schedule, including an attempt or conspiracy to commit an abetment to any such offense. इस वक्त के किसी भी दूसरे कानून में मौजूद किसी भी चीज के बावजूद वफाकी हुकूमत एक ऐसी एजेंसी तश्कील दे सकती है जिसे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहा जाए, ताकि शेड्यूल में बयान करदा जराइम की इंक्वायरी और इनकी तहकीकात की जा सके, जिसमें इर्तकाब की कोशिश या साजिश शामिल है और इस तरह के किसी भी जुर्म की तरकीब देना। ये इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट कोई भी एजेंसी बना सकती, जैसे उसने FIA बनाई है, जो कि कंडक्ट करेगी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी उन ऑफेंसेस के खिलाफ जो कि इसके एक्ट के अंदर जो शेड्यूल दिया गया उसके अंदर लिस्ट है। उसके अंदर इंक्लूड हो सकते कि जो भी बंदा ऐसे ऑफेंस अटेम्प्ट करेगा या फिर ऑफेंस की मिलकर कॉन्स्पिरेसी करेगा यानी प्लान बनाएगा, या फिर किसी को हेल्प करेगा वो ऑफेंस करने में, उन सब की जो है ना इंक्वायरी FIA कर सकती है और वो कोर्ट में ले जाके उन्हें सजा भी दिला सकती है। सबसेक्शन 2 है इसका, द एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड सच नंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स एज द फेडरल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट टू बी द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। एजेंसी एक डायरेक्टर जनरल पर मुशम्मिल होगी जिसे वफाकी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किया जाएगा, और वफाकी हुकूमत वक्तन फोक्तन एजेंसी के मेंबर बनने के लिए मुकर्रर किए जाने वाले दीगर अफसरान पर मुश्तमिल, यानी कि एजेंसी जो है वो मिलके बनती है डायरेक्टर जनरल से, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया जाएगा FG की तरफ से। FG यानी फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। कहते हैं कि बाकी सारे पोस्ट जो हैं फेडरल गवर्नमेंट उनको भी हायर करेगी अपने मुताबिक अपने हिसाब से टाइम टू टाइम। सेक्शन 4 जो है वो हमारे पास है सुपरिटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी एजेंसी की सुपरिटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से क्या रूल्स हैं। इसमें है कि FIA को जो है ना फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। सब सेक्शन 1 के अंदर जो है द सुपरिटेंडेंट ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास FIA के सारे इख्तियार हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन डायरेक्टर जनरल हु शैल एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एजेंसी सच पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट, कि तमाम पावर जो है ना फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी जो कि FIA के जो है ना DG को अपॉइंट करेगी, लेकिन उसके बाद उससे जो नीचे हायरार्की है सारी की सारी उसकी पावर जो होगी वो DG FIA के पास होगी। जो दूसरा सबसेक्शन है उसके अंदर वो कह रही है कि DG FIA जो है उसकी वही पावर है जो IG पुलिस की है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, जो किसी भी प्रोविंशियल पुलिस का जिसका होता है, जैसे पंजाब का हो गया कोई भी, वो पावर जो कि उसे पुलिस एक्ट 1861 के अंडर जो दी गई थी IG पुलिस को, वही DG FIA के पास भी है।